पुलअप्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। वो बात अलग है, मुझसे होती नहीं है बट मुझे पसंद बहुत ज्यादा है। और अभी दिल्ली में जब से लॉकडाउन लग चुका है तब से सारे जिम बंद हैं एंड 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से मैंने पुलअप्स नहीं करे। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मैं गया अमेजोन पे, मैंने वहां से एक पुलअप बार ऑर्डर करा जिसके रिव्यूज बहुत ज्यादा सही थे अमेजोन पे उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब मुझे सस्ता भी चाहिए था, टिकाऊ भी चाहिए था, अच्छा भी चाहिए था। तो मैंने ये ऑर्डर करा है और आज इस वीडियो में आपको इसी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ एंड आपको बता दूंगा कि क्या आप इसे खरीदो, क्या ये वर्थ इट है या जो भी है, आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड हम अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये रहा वो पैकेज जो मुझे अमेजोन से रिसीव हुआ है, काफी लंबा एंड हैवी पैकेज है। अब हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं। तो हमारा बॉक्स खुल चुका है, अब मैं जल्दी से आपको बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले है ये IKEA स्टैंड है जो इस तरह से दीवार में लगेगा। दूसरी चीज है हमारा पुल अप बार इटसेल्फ। उसके बाद है हमारा ये IKEA ऐप सपोर्टर, ऐसा उसका नाम लिखा था जिसका मुझे यूज अभी तक नहीं पता है बट अमेजोन पे इसका नाम लिखा था कि इसे ऐप सपोर्टर कहते हैं। तो ये दो है। उसके बाद है यूजर मैनुअल, किस तरह से उसको लगाना है एंड यूज करना है। उसके बाद एक पॉलिथिन एंड दूसरा स्टैंड। तो यही सारा सामान हमारे बॉक्स के अंदर से निकला है। अब हम जल्दी से जाके इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने को आप इसे कहीं भी लगा सकते हो, अपने घर में भी लगा सकते हो। मेरा ही प्लान था कि मैं अपने घर में लगाऊं बट अभी सीन कैसा है, मुझे धीरे धीरे कैलिथेनिक्स के मूव सीखना है एंड उसमें एक एक्सरसाइज आती है मसल अप, जो मैं घर में नहीं कर सकता, घर में उतनी जगह नहीं हो पाएगी मसल अप करूँ। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो एक वॉइस ओवर है, बिकॉज अगर मैंने ओरिजिनल ऑडियो डाल दिया तो आपके कान फट जाएंगे ड्रिल की आवाज़ से। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे इसको सेटअप करना है। सबसे पहली चीज़, बाहर जाओ, किसी को बुला के लाओ जिसके पास ड्रिल हो और जिसे ये यूज़ करना होती हो। उसके बाद आपको स्टैंड लेना है जो इसके साथ में आए हैं, उनको रखना है एंड देन वहाँ पे आपको मार्क लगाना है कि कहाँ कहाँ पे होल होंगे। ध्यान रखना ये मार्किंग सही से हो, अदरवाइज आपका पुल अप बार टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है एंड देन उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। एक बार मार्क करने के बाद आपको ड्रिल से 4 होल बनाने हैं जहाँ पे आपने 4 जगह मार्क करा है। उसके बाद इस पूरे पैकेज के साथ कुछ नट आते हैं, बेसिकली होल्डर टाइप होते हैं वो, मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता। आपको उनको दीवार के अंदर ठुकवा देना है। एक बार वो ठुकवा दोगे, एक बार आपने वो होल्डर ठुकवा दिए, उसके बाद आपको इस तरह से नट को अंदर डालना है एंड उसे टाइट कर देना है। जैसे ही होगा आपका एक लेग सेटअप हो चुका है। उसके बाद आपको दूसरे के साथ भी सेम यही करना है बट पहले पुल अप बार लगा लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि डिस्टेंस कितना रखना है। देन अगेन आपको बस वही मार्क करना है, होल्डर डालने हैं एंड देन उसे टाइट कर देना है। एक बार सब कुछ फाइनल होने के बाद हमारा पुल अप बार कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, तो मैं चढ़ता हूं इस पे और देखते हैं ये गिरेगा या नहीं। ओके, सो बेस इसका काफ़ी स्ट्रांग है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। मतलब ये उस टाइम भी मम्मी ने चेक करा था जब ये लगा तभी, तब भी नहीं हिल रहा था। बस मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये लगने के बाद बिल्कुल भी हिलता नहीं है। ये चौथी बार रीटेक लिया था मैंने, थक गया अब। ओके, सो इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिव्यू। क्या ये प्रोडक्ट वर्थ इट है, क्या आपको खरीदना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपको खरीदना चाहिए डेफिनेटली। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगी मुझे, स्ट्रांग है, मजबूत है। मैंने जितना वीडियो में दिखाया मैं उससे ज़्यादा बार लटक भी चुका हूँ, उसको हिला के भी देख लिया, थोड़ा बहुत यूज़ भी कर लिया अच्छे से और पता चल जाता है कि हाँ स्ट्रांग है। उसका जो होल्ड है वो भी स्ट्रांग है एंड बार पे लटकने के बाद ऐसा भी नहीं लग रहा कि टूट टूट जाएगा, बेसिकली स्ट्रांग है एंड आप उसे यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, क्या ये वर्थ इट है? ऑब्वियसली प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सही प्रोडक्ट है, 1100 के आसपास आपको मिल जाएगा। कई कोई इसका प्राइस कम भी हो जाता है, अमेजोन के ऊपर है वो, कभी कम कभी ज़्यादा थोड़ा बहुत चलता रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो एंड डेट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मुश्किल हो गई थी बिकॉज कोई अंकल नहीं आ रहे थे उसको लगाने और मुझे आज किसी भी तरह वीडियो डालने दी। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में भी आ रही हैं, एंड मैं मिलूंगा आपको कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।